कोई भी कस्टमर आ रहा था ना मेरे चाचा जी, ये देखो मेरी बेटी क्रिकेट खेलती है, ये देखो। और मैं फिर बोला नेहा जरा आना बेटा, आपसे कोई मिलने आया है। मेरे चाचा जी आपने फिर से फाइल दिखा दी उनको। एक्सरसाइज नहीं करती थी मैं, वॉकिंग दो दो ढाई घंटा में वॉकिंग करती रहती थी, भागती थी, रुकती थी, जब मैं नॉर्मल हो जाती थी मैं फिर भागती थी। नहीं नहीं, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे धूप में, मुझे पता है। मैं 1 बजे ऑफिस से छूट जाती थी, हाफ डे होता था, उसके बाद मैं ग्राउंड चली जाती थी, बस वहाँ पे मैं रुकती थी, थकती थी, फिर पानी पिया, फिर जब तक मैं नॉर्मल नहीं होती भागती रहती थी, फिर रुकती थी, थकती थी, बैठ जाती थी, फिर लगता था अब ठीक हूँ मैं, फिर भागना शुरू कर देती थी। एक टाइम ऐसा आ गया मैंने हिम्मत हार दी, यार मेरा वेट अब नहीं हो सकता काम, वो लोगों ने मेरा नाम पागल ही रखा हुआ था लिटरली। तो सुबह आ जाती है और आके प्रैक्टिस करती है, फिर वहाँ से रेडी होकर ऑफिस जाती है, ऑफिस जाने के बाद खाना खा के फिर यहाँ दमक जाती है, रात को ही जाती है घर पे सारा दिन। मैं अगर बोलते थे कि अगर तू ज्यादा थक जाती है ना तो नींद में बोलते हो, तो भी तो यही बोलती है कि यार ये बाउंड्री लग गई, ये छक्का लग गया। अरे मुझे ऐसा बोलते हैं वो लोग कि तू नींद में ऐसे बोलती थी, दो रन की कॉल देती थी, वो ऐसा, वो लोग ऐसा मुझे बोलते थे, मेरे रूममेट्स वगैरह बोलते थे कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप रेडी हो शादी के लिए, आपके फेस देख के। अच्छा, उन्होंने कॉल किया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया कि नेहा मुझे लग नहीं रहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी बता दो। अच्छा। मैंने कहा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं खेलना चाहती हूँ।